हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को क्लिक करने से ही मिलेगी। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीडीएफ चाहिए, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आपको मटेरियल मिलेगा जिससे आप स्टडी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन पेपर। तो उससे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, टॉपिक का नेम बाई एमएससी केमिस्ट्री क्वीन लिखकर सर्च करना है, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा एंड आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कंसेप्ट ईजिली वे में समझा सकूँ सो दैट आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, वीडियो पूरी देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आएगा कंपलसरी क्वेश्चन का सेक्शन जो 2-2 मार्क्स का है। तो ऑब्वियसली बात है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंथ भी हमने रखनी होती है, ठीक है। लेंथ इतनी नहीं है बट हाँ आपका टाइम इसमें कंज्यूम होना है, तो आप इस सेक्शन को सबसे लास्ट में करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस की रिपीट में रिवीजन करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना 2 मार्क्स में लिखना भी है एंड इस चक्कर में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपने टाइमिंग देनी है वो ख़राब ना हो, इसलिए आप इस सेक्शन को लास्ट में ही करें। उसके बाद है यूनिट 1 जिसमें आपसे पूछे गए 6-4-6, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स की है वो 6-4-6 की है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे लगता है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है ये वाला नहीं आता है, तो आप उसकी जगह दूसरा जो ऑप्शन है वो चेक कर ले, क्योंकि समटाइम हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बाद में याद आता है कि ये वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो इस चक्कर में हमारी जो है मार्क्स कट जाते हैं बेफालतू में। जैसे ये वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा ईजी है, तो जैसे जो भी आपको अच्छे से आता है, जो यूनिट अच्छे से आती है, आप वही करके जाएँ सो दैट आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जो है वो फालतू में ना कटे। मोस्टली हमें रिग्रेट इसी वजह से होता है कि हमें आता है लेकिन हम क्या करते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड गलत यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने वैसे तो एग्ज़ाम में रुकना नहीं है, लिखते जाना क्योंकि लेंथ इतनी ज़्यादा होती है, बट हाँ जब आपने यूनिट सेलेक्ट करनी है तब आपने बहुत ही रिलैक्स माइंड से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद है यूनिट 2, तो इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई है, यूवी आ गई है, एटमॉस्फेयर आ गई है। तो नीचे आप देख सकते हैं वुडवर्ड फिशर रूल पूछा गया है, अगर आपको आता है तभी आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा एरर आ सकता है तो आप इस यूनिट को मत छेड़िए, इसकी जगह दूसरे ऑप्शन में जाइए। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें तो डायग्राम पूछी गई है, अगर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो तो करें, अदरवाइज आप थोरेटिकल पार्ट जिस यूनिट में जिस ऑप्शन में ज़्यादा है आप वो वाला चूज़ करें। उसके बाद है यूनिट 3 जिसमें आपसे टर्म्स पूछी गई हैं जो बहुत ही स्कोरिंग होती हैं, टर्म्स में हमें इतना नहीं कोई रिस्क होता, जो हम न्यूमेरिकल वगैरह या डायग्रामेटिक पोर्शन करते हैं उसी में हमें रिस्क होता है कि गलत ना हो जाए, तो आप ज़्यादातर वही चीज़ प्रेफर करें जो थ्रेटिकल हो। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने क्या किया है 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अब वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने सॉल्व क्वेश्चन पेपर इवन प्रोवाइड किया है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, ठीक है, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी दे दी है जिससे आप अपने टॉपिक्स के रिवीजन कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।